हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लाभ हानि की फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो थर्ड टाइप भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं लाभ हानि का फर्स्ट टाइप के सवाल। और लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको कंप्लीट बेसिक मैंने सिखाया था कि बेसिक क्या होता है, लाभ हानि कैसे समझना है, कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, और दुकानदार चीज़ें पहले खरीद के लाएगा और फिर आगे बेचेगा, और हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है, कोई भी वस्तु जो अपन खरीद के लाते हैं बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। अपना जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना है, 100%, ठीक है। और अगर अपन आगे बेचते हैं तो उस पर लाभ कमाना होगा। तो अब आप सोचो, जैसे ये पेन 20 रुपए का है तो मुझे 20 रुपए में लाया हूं तो 20 में तो बेचूंगा नहीं, मैं इस पर कमाई करूंगा। अगर मुझे 2 रुपए कमाने हैं तो 20+2 कितना हुआ, 22, ये तो हुआ रुपए में। और परसेंटेज की बात करें तो अगर मुझे 100% ये पेन मेरे पड़ा है, मुझे 20% अगर कमाना है, 20%, तो मैं बेचूंगा कितने में, 100% + 20% बोले तो 120%। क्लियर है। जब भी लाभ होगा चीजें आप बेचोगे ऊपर, 100 से ऊपर, और अगर हानि हो रही है तो क्या समझाया था आपको, हानि हो रही है तो मैंने समझाया था कि 10% हानि हो रही है, इसका मतलब वो पैसा आपको ग्राहक ने दिया ही नहीं, मतलब 10% पैसा आपको ग्राहक ने नहीं दिया है, ठीक है। इसका मतलब 10% की क्या पड़ गई, कमी पड़ गई। तो 10% कमी होने का मतलब आपके पास जो पैसा आया वो कितने परसेंट का हुआ, 90%, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो टाइप है, देखो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ टाइप फर्स्ट, और वो लिखा हुआ है अपेक्षा या बजाय, अपेक्षा बोलो या बजाय, मतलब इसकी जगह पे ये कह रहे हैं, मतलब ये कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, नहीं ये करता तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो, लिखा हुआ है किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु की कीमत ज्ञात करो। अब पढ़ो, किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय वो सोच रहा है कि मैं लाभ में बेचता, तो पहला पॉइंट यहीं से सीखो कि 5% अगर हानि हो रही थी और अब लाभ में जाना चाहता है, तो जब हानि हो रही थी तो कितने परसेंट में ग्राहक को चीजें बेच रहा था, तो 5% क्या हो रही थी, हानि। तो 5% अगर हो रही हो तो चीजें बेच रहा होगा उस समय कितने परसेंट में, 95% में। क्लियर है, जब 5% हानि हो रही थी तब की बात है, तब वो चीजें बेच रहा होगा 95% में। अब चाहता है कि मैं 5% लाभ पर बेचूं, तो अब अगर 5% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु वही 100% की है, और 5% अगर लाभ कमाना है तो बेचना कितने में पड़ेगा दोस्तों, 105% में। तो अब ग्राहक को बेच दो कितने में, 105% में। अब सोचो आप कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, कोई कस्टमर आया, आपने पहले उसको चीजें कितने परसेंट बेची, 95% में। अब आप उससे कितना पैसा मांग रहे हो, 105%, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उससे पैसा अब आप क्या लोगे, ज्यादा लोगे। कितना परसेंट ज्यादा हो गया आपके पैसा यहां से, या तो यहां पहले तो 95% में बेच रहे थे, अब ग्राहक से अपन ले रहे हैं 105%, इसका मतलब कस्टमर से अपन कितना परसेंट ज्यादा ले रहे हैं, 10%। और अगर रुपए की बात करें तो क्या बोल रहा है, तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब सोचो 60 रुपए ग्राहक से आपको ज्यादा मिलेंगे, क्यों मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि आपने 10% उससे ज्यादा मांग रहे हो, तो 10% ज्यादा मांग रहे हो, इसलिए आपको यहां से यहां तक कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, कि 10% के कारण आपको 60 रुपए क्या मिले, ज्यादा मिले। तो 10% के कारण 60 रुपए ज्यादा मिले, इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि 10% की वैल्यू किसके बराबर हुई, 60 रुपए, ठीक है। जिन्हें क्लियर नहीं हुआ हो मैं वापस बताता हूँ क्या करना है। हमेशा देखो, आप प्रैक्टिकल समझो कि ग्राहक खड़ा है, उसको अपन ने पहले चीजें 95% में दी थी, अब अपन ग्राहक को बोल रहे हैं कि भैया इसकी कीमत जो है वो 105% है, मतलब बोलने का मतलब ऐसे समझो कि 105% है। अब पहले तो उससे 95% लिए, अब 105% लेंगे तो 10% कीमत बढ़ गई, और 10% बड़ी की जो है परसेंट में, उसके कारण रुपए कितना बढ़ा, 60 रुपए। तो 10% की जो वैल्यू निकल के आई वो 10% की वैल्यू निकल के आई, 10% = 60। अब वो क्या पूछेगा, बताओ वस्तु की कीमत क्या है, और कोई भी वस्तु कीमत कितनी होती है दोस्तों, 100%। और प्रतिशत बराबर संख्या, ये आपको ध्यान ही होगा, नहीं ध्यान है तो मैं लिख देता हूं, कभी भी प्रतिशत का मान पता हो, मतलब प्रतिशत बराबर संख्या।
अगर कोई भी टॉपिक मैथ्स में कहीं पर भी पता हो तो हमेशा ध्यान रखो जो प्रतिशत आपको ज्ञात करना है उसको हमेशा कहाँ लिखा करो, ऊपर, और जो प्रतिशत आपको पता है उसको कहाँ लिखा करो, नीचे, और जो भी संख्या है पैसा है उसका क्या करो, गुणा। तो यहां से जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो भी संख्या है उस संख्या का साइड में कर दो गुणा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रतिशत बराबर संख्या, आपको पता है कि 10% किसके बराबर है, 60 के, और वो बोल रहा है वस्तु की कीमत ज्ञात करो। वस्तु की कीमत कितनी होती है दोस्तों, 100%, और यहां तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। 10% बराबर 60, तो मैं यहां से आने पर एक जीरो बढ़ा देता हूं। अगर एक जीरो इधर बढ़ेगी तो इसका मतलब एक जीरो उधर भी बढ़ेगी, तो जो 60 है वो 60 के कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और अगर पूरा फॉर्मूला यूज करना चाहो तो क्या करेंगे दोस्तों, जो ज्ञात करना है वो परसेंटेज ऊपर, जो पता है 10% वो नीचे, परसेंट के नीचे परसेंट, और इनटू का 60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 × 100 कितना हो गया, 600। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 600। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किसी वस्तु को 7% हानि के बजाय, 7% हानि की बजाय, ठीक है, अब वापस पॉइंट समझना, 7% हानि हो रही है इसका मतलब बेच कितने में रहा है, तो 7% तो नुकसान हो रहा है, तो 7% नुकसान है तो 100 में से 7% पैसा कम पड़ गया, तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है, 93% में, की बजाय 2% लाभ पर बेचा जाता। अगर 2% का लाभ पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता मतलब कितना होता, 102%। ठीक है, अगर उस पर बेचा जाता तो 36 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो यहां से यहां अगर ये ऐसा करता तो इसको 36 रुपए अधिक प्राप्त होते। अब सोचो 36 रुपए जो मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, कि इसने रेट बढ़ा दी, कितनी रेट बढ़ी इससे, पहले 93% बेचता था अब ये 102% में बेचता है, तो यहां से आने पर रेट कितनी बढ़ी, तो 7% और 2% टोटल मिला के कितना हो गया, 9% इसने रेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 9% की जो वैल्यू है वो 9% के कारण कितने रुपए बढ़ गए हैं, 36 रुपए, 9% की वैल्यू हुई 36। अब आगे क्या ज्ञात करना है, वस्तु की कीमत बतानी है, तो वस्तु की कीमत मतलब क्या हो गया, 100% का आंसर ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो भी पैसा या संख्या है साइड में गुणा। 9 से 36 कितनी बार, 4 बार, और 4 × 100 कितना हो गया दोस्तों, 400। इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की है, 400 रुपए की। क्लियर, नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा, ठीक है, बजाय या अपेक्षा, किसी वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा 2% हानि पर बेचा जाए। इस बार समझना, मुझे पहले से हानि हो रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो कोई बात नहीं अब भी हानि हो लेकिन थोड़ी कम हो, तो पहले हानि हो रही थी 6%, मतलब अपन ग्राहकों को चीजें बेच रहे थे कितने में, 94% में, ठीक है, लेकिन अब चाहते हैं कि हानि कितनी हो, सिर्फ 2% हो, तो 2% हानि का मतलब है 100 में से 2% कम कर दो, तो इसका मतलब अभी भी है तो हानि है लेकिन हानि है कितनी है, 2%, तो पैसा कितना मिल रहा है, 98%। बेचा जाए तो 416 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो 416 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब यहां से यहां जाते हो तो 416 रुपए और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहां से यहां देखो आप, 94 से 98% हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, यहां से यहां 4% बढ़ गया, तो 416 बढ़ा किसकी वजह से, इस 4% की वजह से, क्योंकि ग्राहक से पहले कम ले रहे थे अब ज्यादा ले रहे हैं, तो 4% पैसा उससे ज्यादा मांगेंगे तो पैसा बढ़ गया है 416। ठीक है, अब निकालना क्या है, वस्तु की कीमत ज्ञात करो, तो वस्तु की कीमत कितनी निकालनी है, 100%, वही हमेशा वस्तु कीमत मतलब 100%, तो इसका मतलब 100 जो ज्ञात करना ऊपर, जो दे रखा वो नीचे, और 416 का इधर साइड में गुणा। अब इसको काटो, जल्दबाजी मत करना काटने की वरना 14 आ जाएगा काटने पे, तो 4 का 1 बार 4, फिर दो संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0, और 4 का 16 में 4, तो ये कट गया कितनी बार, 104, तो यहां हो गया 104 और पीछे क्या आया, 0, 0, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 10,400, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार एक टीवी को 12% लाभ पर बेचता है, तो एक दुकानदार एक टीवी को 12% लाभ पर बेचता है। अब पॉइंट समझना, 12% लाभ पर बेचता है इसका मतलब उसने टीवी को बेच कितने में दिया, 112% में। ठीक है, आगे, यदि वह उसे 480 रुपए कम पर बेचता,
अच्छा कम पर कहां से, जहां उसने पहले बेचा है वहां से, अगर वो 480 रुपए कम पर बेचता, मतलब अपन यहां से यहां इस बार ऐसे रिवर्स वाला हो गया कि 480 रुपए कम करके अगर वो बेचता, ये 480 रुपए कम पर बेचता तो उसका लाभ 2% कम हो जाता। ये नहीं कि लाभ 2% हो जाता, लाभ 2% कम हो जाता। इसका मतलब हुआ कि पहले लाभ कितना हो रहा है 112%, अब लाभ 2% कम हो जाता तो इसका मतलब हुआ कि अब उसका लाभ कितना है, फिर 10% है। पहले लाभ 12% था, अब लाभ 2% कम हो गया तो 10%, 10% लाभ है तो फिर बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 110%। आप समझो कि सवाल के अंदर सब कुछ दे रखा है, ये पूरा नहीं लिखते तो भी चलता। पहले 12% था, 2% कमी हुई, तो आप डायरेक्ट समझो कि 480 रुपए कम किए और उसके कारण लाभ 2% क्या हो गया, कम हो गया। तो ये 480 कम किसकी वजह से हुआ है, 2%, या उल्टा बोलो कि 2% कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने 480 रुपए कम कर दिए। तो इसका मतलब ये 480 जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, 2% के बराबर है। तो 2% की वैल्यू किसके बराबर हुई, 480। अब ज्ञात करना है क्या, तो यहां पर आया 100%, जो ज्ञात करना ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो वैल्यू है वो साइड में मल्टीप्लाई, इधर 2 से कट गया कितनी बार, 240, 240, और यहां से 240 और पीछे लग जाएगी 20, तो इसका मतलब कीमत कितनी होगी दोस्तों, 24,000। आया समझ में, अपेक्षा बजाय आप जूनियर अकाउंटेंट या टैक्स असिस्टेंट जो पेपर थे उनमें देख सकते हो कि सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो ये जो सवाल पूछे गए हैं उसके लिए बेसिक सीधा सा लॉजिक है कि आपने पहले कितने में बेचा और अब कितने में बेचना चाहते हो। 100% से अगर हानि है तो 100 से नीचे, न लाभ है तो 100 से ऊपर। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगले टाइप जो है वो लिखा है मैंने कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब इस बार कुछ वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य अन्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो पहले कुछ वस्तुएं आप खरीद के लाए क्रय मूल्य, और बाद में आपने कुछ वस्तुएं बेची, लेकिन पैसा दोनों का बराबर है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, ना कि वस्तु बराबर, पैसा बराबर है, तो दोनों का पैसा बराबर है, ठीक है। अब जैसे समझो दोनों का पैसा बराबर कैसे क्या है, सवाल कैसे आएंगे, तो यहां से शुरू करते हैं। पहला, 20 पेन का क्रय मूल्य, 20 पेन मैं खरीद कर लाया आगे से, कितने में लाया पता ही नहीं, सिर्फ क्या पता है कि 20 पेन लाया हूं मैं, ठीक है, 20 पेन मैं खरीद के लाया, 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 20 पेन का जो क्रय मूल्य, मेरा पैसा जो लगा 20 पेन को खरीदने में, वो पैसा मैंने वापस कमाया ग्राहक से, तो मैंने कितने पेन बेच दिए, 25। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं लाया हूं, जैसे मान लो एक आइडिया ले लेते हैं, 100 रुपए का, 100 रुपए देकर मैं 20 पेन लेके आया, ठीक है, तो 100 रुपए देकर मैं 20 पेन लेके आया हूं, और 100 रुपए कमाने के लिए मैंने 25 पेन बेच दिए, तो 100 रुपए के लिए मैंने 100 रुपए कमाने के लिए 25 पेन बेचे, तो अब सोचो आए तो 20 गए 25, इसका मतलब 5 कहां से आए फिर, तो 5 कहां से आए, अपनी जेब से गए, तो अपनी जेब से अगर पैसा गया है इसका मतलब हो गया कि अपन को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और वो ये बोलेगा नहीं नुकसान है या लाभ है हानि, वो डायरेक्ट पूछेगा कि आप खुद ही बताओ लाभ है कि हानि है कितनी, वो बताओ, ठीक है। तो इसका मैं बेसिक तरीके एक एक पॉइंट समझाता हूं आपको कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीज आते हैं, क्रय मूल्य, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब कितने में इससे खरीदा, कोई आइडिया है अपन को, नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब यूं ले लो कि एक पेन का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, इसलिए क्रय मूल्य का हम ले मान लेते हैं के, कि एक पेन कितने का पड़ा होगा, के का। अब वो कह रहा है कि कितने पेन खरीदे, 20, तो 20 पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो एक पेन के रुपए का, तो 20 पेन कितने हो गए, 20 के। फिर उसके बाद है पेन वापस बेचने हैं, तो अब अपन ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य, तो एक पेन कितना बेच रहे हैं अपन, 20 रुपए में, तो एक पेन बेच रहे हैं 20 में, तो टोटल कितने पेन बेचने हैं, 25, तो 25 पेन का विक्रय मूल्य, तो 25 पेन का विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, तो एक पेन का 20 रखा है, तो 25 पेन का 25 × 20 हो जाएगा, जितने का एक पेन का पैसा मिल रहा है उसको 25 पेन का पैसा मिल जाएगा। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि 25 पेन के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब हुआ कि ये पैसा और ये पैसा दोनों ही आपस में बराबर है, मतलब हो गया कि 20 के
इक्वल टू 25V। ठीक है, 20 का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य बराबर। और दोस्तों यहां से एक मेन पॉइंट है जो सीख लेना आप, क्योंकि आगे हर जगह काम आता रहेगा। जब भी कभी मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश वाला अगर साथ में आते हैं तो हमेशा जानना इधर का मान उधर वाला और उधर का मान इधर वाला होता है, कहीं बटाबटी में भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहां इधर का उधर, उधर का इधर। तो फिर सोचो कि k का मान कितना आया, 25। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य कितने रुपए है दोस्तों, 25 रुपए। और v का मान कितना आया, तो v का मान आया है कितना, 20 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य तो है 25 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो आपको आइडिया सब लग गया होगा कि जब मैं खरीद के तो लाया हूं 25 रुपए में और बेच के तो मैं रहा हूं 20 रुपए में, तो लाया तो 25 में हूं, बेच 20 में रहा हूं, इसका मतलब कितना नुकसान कर दिया, 5 रुपए का। तो ये तो कंफर्म है कि हानि हो रही है, तो यहां पर आ गया हानि। ठीक है, अब कितने परसेंट हो रही है उसके लिए यहां पर परसेंट लगा दिया, तो 5 रुपए की हानि हो रही है। कहां से लाभ और हानि, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि लाभ और हानि हमेशा कौन से प्राइस से होती है, तो लाभ और हानि हमेशा कहां से होती है, क्रय मूल्य से। तो 5 रुपए का नुकसान हुआ कहां से हुआ, 25 से, और इंटू का क्या करेंगे, 100। तो 25 से 100 कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 बार, और 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20%। मतलब इस सवाल में हानि हुई है, और वो हानि कितनी हुई है, 20% की हानि हुई है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो था सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अभी आगे देखो, दूसरा बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ठीक है, और सवाल तो यहां पर वापस बता देता हूं, सवाल क्या था, 20 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यह सवाल था। अब देखो यहां से एक तरीका और है कि आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, सबसे जो छोटा तरीका है, शॉर्ट तरीका है, वो है तीसरा वाला। ठीक है, शॉर्ट वाला तीसरा, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक सिखा दूं, वरना आप तीसरा तरीका फिर सीधे पहुंच जाओगे वहीं पे। तो यहां से है कि इसका एक तरीका है कि जो संख्या यहां आती है इन संख्याओं का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम का मतलब है वो संख्या ले लो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, मतलब ये दोनों का भाग लगाओ तो उसके अंदर भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ऐसी संख्या होगी 100। तो इसका मतलब है कि आप एलसीएम जो लेते हो इसको क्या मान के चलो कि ये है क्रय मूल्य और यही है विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों के दोनों मूल्य आपस में क्या है, बराबर। तो क्रय मूल्य भी कितना, 100, और विक्रय मूल्य भी कितना मान लो, 100। तो यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पैसा सेम हो गया। अब आते हैं सवाल की शुरुआत, क्या बोल रहा है, 20 पेन का क्रय मूल्य। पहले 20 पेन खरीद के लाया, तो 20 पेन का क्रय मूल्य ले लो, 20 पेन का क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए हो गया, 100 रुपए। तो फिर एक पेन कितने का पड़ा, आराम से जाएगा, तो एक पेन पड़ा है इसके, एक पेन का क्रय मूल्य बराबर 100/20, और 100/20 का मतलब कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है वो पेन कितने बेच रहा है, 25, और 25 पेन बेचकर वापस कमा कितना रहा है, तो 25 पेन बेचकर वापस कमा तो वही रहा है, तो 25 पेन वापस कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपए। तो एक एक पेन फिर कितने का बेच रहा है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य, तो एक पेन का विक्रय मूल्य हुआ 100 और बटा कितने पेन, 25, तो इसे काट दो कितना आया, 4 रुपए। इसका मतलब हुआ कि ला कितने में रहा था, 5-5 रुपए में, और बेच कितने में रहा था, 4-4 रुपए में। अब 5 रुपए में कोई पेन ला रहा है और 4 रुपए में बेच रहा है, तो साफ पता है कि नुकसान करवा रहा है। और अब कितना नुकसान है, अब हानि अपन इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान कहां से हुआ, तो पहले की प्राइस कितनी थी, 5 रुपए। तो 1 रुपए का नुकसान हुआ कहां से हुआ, 5 से हुआ, और इंटू का क्या करेंगे, 100। ठीक है, ये इंटू का 100 कर दिया, तो यहां से 100 का मतलब परसेंटीकरण, 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20%। ठीक है, ये होता है एक तरीका इसका। और अब आता हूं मैं तीसरा तरीका, इसी सवाल का तीसरा सॉल्यूशन। तो वापस लिखता हूं, 20 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 पेन का क्रय मूल्य और 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ठीक है। अब सबसे शॉर्ट तरीका कि ये सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई चीज खरीद के लाते हो और वापस जब आप बेचते हो और दोनों की प्राइस अगर क्या है सेम, याद ना जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो सेम है लेकिन वस्तुएं क्या है अलग अलग, तो आप एक तरीका और कर सकते हो कि आपने कितनी वस्तुएं खरीदी है, तो कितनी वस्तुएं आप खरीद के लाए हो वो हो गई खरीदी वस्तु आपकी, और कितनी वस्तु आपने बेच दिए तो कितनी वस्तु आपने बेची है, तो जितनी वस्तु आपने खरीदी है वो खरीदी वस्तु और जितनी वस्तु आपने बेची है वो क्या हो गया बेची वस्तु, और सेकंड यहां से बेची वस्तु जितनी आपने बेची है वो वापस नीचे लिख दो, जितनी आपने बेची है वो नीचे लिख दो ताकि इससे जुगाड़ बन जाएगा। और कौन सा जुगाड़ बनेगा, जो पिछला सवाल है सेकंड नंबर वही है, कोई नया नहीं बना रहा हूं मैं, वो का वही है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। जितनी वस्तु आपने खरीदी पहले उसको आगे, जो बेची है पीछे, और जो बेची हुई है उसी को नीचे लिख दो और इंटू कर दो आप परसेंट के कारण 100 परसेंटेज निकालना इसलिए 100। तो खरीदी वस्तु कितने पेन खरीद के लाए 20 पेन, कितने पेन बेच दिए तो सेकंड बार पेन बेचे 25, खरीदे हैं पेन 20 बेचे कितने हैं 25, और बेची हुई वस्तु वापस नीचे आ गया कितना 25 और इंटू का कर दो कितना 100, ये 100 हो गया। अब 20 में से 25 गया तो 20 में से 25 जाएगा नहीं तो 25 में से इधर जाएगा, आएगा किसका माइनस का 5, माइनस 5 बटा 25 और इंटू का 100। अब 25 से 100 कितनी बार कट गया 4 बार, ठीक है, और 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और 20 किसका माइनस का। तो दोस्तों ध्यान ना, जब भी कभी सवाल ये करो इसमें शॉर्ट तरीका सीधा सीधा है, लेकिन माइनस अगर अभी आ जाए तो समझ जाना कि माइनस आया है इसका मतलब क्या हुई है हानि, और अगर प्लस आ जाए तो समझ जाओ कि इसका मतलब क्या हुआ है लाभ। माइनस हो तो हानि और प्लस हो तो क्या है लाभ, ठीक है। और तरीका कितना छोटा सा है, खरीदी वस्तु बेची वस्तु और बेची वस्तु। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने तीन तीन तरीके समझा दिए आपको और तीन तरीके में अच्छे से कवर कर लेना आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल है 18 टेबल का क्रय मूल्य 15 टेबल के विक्रय मूल्य के समान हो, तो ये सेम सवाल है, वापस देखो वस्तुएं अलग अलग है पैसा सेम है, तो पॉइंट याद रखना ये कब काम आएगा, वस्तुएं अलग अलग हो और पैसा सेम हो। अब मैं आपको डायरेक्ट तीसरा तरीका लगाता हूं ताकि बार बार पूरा बेसिक नहीं पढ़ना पड़े। तो यहां पर क्या करना है, खरीदी वस्तु ये खरीदी वस्तु, बेची वस्तु तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु ये बेची वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु अपॉन में वापस बेची वस्तु, तो 18 माइनस 15 अपॉन में 15 और इंटू क्या कर दो 100, 18 में से 15 गया तो 3, 3 बटा 15 और इंटू हो गया 100, 3 से 15 कितनी बार 5 बार और 5 से 100 कितनी बार 20 बार, तो आंसर कितना आ गया 20%। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एक बेईमान दुकानदार। अच्छा ये सवाल काफी एग्जाम में आ चुका है, अभी अभी वुमन सुपरवाइजर एक भर्ती गई थी राजस्थान में उसमें भी आया था। एक बेईमान दुकानदार है जो एक किलो, एक किलो में ग्राम लिखे हुए, एक किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, तो क्या करता है एक किलो ग्राहक को देना लेकिन देता कितना है 800 ग्राम ही तोलता है, तथा वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि मैं तो आपको जितने में लाया हूं उतने में दे रहा हूं, यहां तो मैं ऐसे ही बैठा हूं जनसेवा कर रहा हूं बस, ठीक है, तो जितने में लाया हूं आपको उतने में ही दे रहा हूं। मतलब वो लोग होता है ना कभी कभी जो दुकानदार की अपना बिल दिखाने लग जाते हैं कि अरे ये देखो मेरा बिल देख लो बस मैं इतने में लाया हूं, इसका मतलब मानो कि वो सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं जितने में लाया हूं आपको उतने में दे रहा हूं, क्योंकि वो रेट में गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो गड़बड़ कहां कर रहा है तोलने में कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो तोलने में अगर गड़बड़ कर रहा है तो बताओ लाभ परसेंट कितना है। अच्छा ये तो कंफर्म है इस सवाल में कि लाभ ही हो रहा है, तो कितना लाभ है इसको समझो, तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है दो तरीके। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं कि वास्तव में कैसे कमा रहा है वो, तो क्या हो रहा है कि अगर देखो यहां लिखा हुआ है 800 ग्राम ही तोलता है, मतलब ग्राहक के पास जो चीज जा रही है वो कितनी जा रही है दोस्तों 800 ग्राम जा रही है, तो ग्राहक के पास कोई चीज जा रही है वो 800 ग्राम जा रही है, इसका मतलब ये है कि 800 ग्राम का वो पैसा पूरा ले रहा जो किलो का है, तो ऐसे पता करो कितना कमा रहा है, खुद के 800 ग्राम कितने की पड़ी और ग्राहक को 800 ग्राम कितने में दे रहा है, दोनों का अगर सेम होगा तो आइडिया लग जाएगा कितना कमा रहा है। तो मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, जैसे मान लो शक्कर है,
ठीक है। और शक्कर को समझाता हूं, जैसे मान लो 40 रुपए किलो, तो एक किलो शक्कर हो गई कितने रुपए की, 40 रुपए की, कि ये खरीद के लाया हो, इसके खरीद हो एक किलो शक्कर 40 रुपए। अच्छा एग्जाम में ये नहीं करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं इसलिए। तो एक किलो मतलब हो गया वही 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितने रुपए में हो गया, 40 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, अब पता करना है 1 ग्राम कितने के पड़ी इसके, तो पहले 1 ग्राम पता कर लेते हैं। तो 40 बटा में 1000 का आ जाएगा दोस्तों नीचे, ये हो गया कितना 1 ग्राम का प्राइस। अब पता करना है कि इसके 800 ग्राम इसके घर में कितने में पड़ी, तो 800 ग्राम कितने की पड़ी, तो क्या करो 40 बटा 1000 × 800, यहां से 3 जीरो और इसकी 3 जीरो कैंसल, और 8 चौक कितना हो गया 32 रुपए। मतलब हुआ कि इसके 800 ग्राम शक्कर जो खुद के पड़ी है, मतलब ये इसकी जो खरीद है वो 800 ग्राम शक्कर की खरीद कितने रुपए की है, 32 रुपए की। अब ये कस्टमर ग्राहकों को क्या बोल रहा है कि मैं जितने में लाया हूं आपको उतने में बेच रहा हूं। तो अपने दोस्तों यहां क्या लिखा है कि 1 किलो कितने पड़ रही है, 40 रुपए। इसका मतलब हुआ कि इसके खरीद है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस खरीद है 40 रुपए की, और ये वापस बेच भी कितने में रहा है, 40 रुपए में। खरीद भी हुई है और सेल भी हुई है, तो खरीद रहा है 40 में और बेच रहा 40 में। बस अब आते हैं आगे कि इस बार जो ग्राहक के पास चीज जा रही है वो जा रही है 800 ग्राम, और 800 ग्राम का जो पैसा जा रहा है वो कितना हुआ, 40 रुपए। मतलब 800 ग्राम वस्तु जा रही है उसका पैसा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 रुपए, और खुद के आगे खर्च कितना हुआ था, 32 रुपए। मतलब खुद तो 32 रुपए में लाया 800 ग्राम चीज को, और यहाँ ग्राहकों से कितने रुपए ले रहा है, 40 रुपए ले रहा है। तो यहाँ 32 से अगर वो 40 रुपए ले रहा है तो कितने रुपए कमा रहा है दोस्तों, 8 रुपए कमा रहा है। ठीक है, 8 रुपए कमा रहा है। अच्छा 8 किसके ऊपर कमा रहा है, तो वस्तु वही कंपेयर कर लिया अपने, वस्तु सेम ले लिए, तो इसका मतलब हुआ कि 8 रुपए कमा रहा है किसके ऊपर, 32 के ऊपर। तो 8 रुपए कमा रहा है 32 के ऊपर, और इंटू का कर दो यहां पर 100। 8 से 32 कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब यहां पर कितने परसेंट वो कमा रहा है, 25% वो कमा रहा है। क्लियर। अब यहीं से इसको इतना बड़ा अपन नहीं करें, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लाते हैं। अब ये सवाल जो है इस पैटर्न के अंदर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर भी देखो मैंने क्या बोला, ये पैटर्न कौन से चल रहे हैं, पैसा बराबर वस्तुएं अलग अलग। इस वाले सवाल में भी क्या था, पैसा दोनों ही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर था, लेकिन वस्तुएं अलग अलग थी। कि पहले तो 800 ग्राम वहां लाया होगा तो 1 किलो, और बेच कितने में रहा है, या बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो वस्तुएं हो गई अलग अलग, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये तो आपको सिर्फ समझाया है मैंने। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था, उस पर आते हैं। क्या लिखा था, खरीदी वस्तु। तो खरीदी वस्तु, तो ये आगे से कितने लाया होगा शक्कर, तो आगे से खुद तो 1 किलो पूरी लाया होगा, तो 1000 ग्राम। बेच कितने रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, और अपॉन में कितना लिखेंगे, तो अपॉन में वापस वही बेची हुई वस्तु 800 ग्राम, और इनटू कितना आ गया, 100। यहां से आगे सॉल्व करें तो 200 बटा में 800, और इनटू 100। 200 से 800 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 25%। क्लियर हो गया। तो वस्तुएं क्या हो बराबर, सॉरी पैसा क्या हो बराबर, और वस्तुएं क्या हो अलग अलग, उस केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पढ़ी थी अपन ने 2 टाइप के सवाल, आप अच्छे से कवर करो। 10 टाइप के सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटी छोटी वीडियो भी बने तो भी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो बस वो कवर करते जाओ, वीडियो आगे अवेलेबल ही है, अगली देख लो। ठीक है, चलो टाइप 3 पढ़ेंगे अगली वीडियो में।